हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं गुंजा से वशीकरण की। जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी चीज़ है गुंजा। छोटी सी चीज़ है, शायद कभी नज़र आपकी पड़ी है या नहीं पड़ी है। जो जानते हैं इसके बारे में वो बहुत कुछ जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं। वैष्णव कुल के जो लोग होंगे वो गुंजा से बहुत भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान को रोज श्रृंगार में, श्रीनाथ जी को रोज श्रृंगार में गुंजा की माला जरूर पहनाई जाती है। दोस्तों, गुंजा एक फल्ली का बीज होता है। इसको धुंधची, रत्ती आदि नामों से भी जाना जाता है, और इसकी बेल बहुत हद तक मटर के दानों की तरह लगती है। इसे कभी कहीं कहीं आप सुनारों की दुकान पे देख सकते हैं। कुछ साल पहले सुनार इसको सोना तोलने के काम में लेते थे, क्योंकि इसके प्रत्येक दाने का वजन बिल्कुल बराबर होता है, करीब करीब 120 मिलीग्राम। ये हमारे जीवन में इतनी बसी है कि इसका अंदाज़ा मुहावरों और लोकोक्तियों से प्रयोग में लाया जा सकता है। ये तंत्र शास्त्र, तांत्रिक शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा घुली हुई है। बहुत इसके फायदे होते हैं, और तांत्रिक ओघड़, और जो लोग तंत्र विद्या में मानते हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि दिवाली, ग्रहण काल, होली, पूर्णिमा, अमावस्या या कोई भी बड़ी तिथि, जैसे अभी हनुमान जयंती आ रही है या शनिवार के दिन, इसका बहुत ही अत्यंत प्रभावकारी लाभ होता है। अगर आप अपने पति को आकर्षित करना चाहते हैं, या पति को, पत्नी को वश में करना चाहते हैं, या आप किसी बिजनेस वाले पर्सन को, या आप कोई सामूहिक मीटिंग में जा रहे हैं वहाँ पे पब्लिक को वश में करना चाहते हैं, तो आप ये माला पहन के जाएं और देखेंगे आप कितनी कमाल की माला है ये। ये माला से कैसे लोग वश में आ जाते हैं। बहुत बहुत साधारण साधारण से इसके उपाय होते हैं। तीन तरह की होती है गुंजा। एक होती है रक्त गुंजा, एक होती है श्वेत गुंजा, और एक होती है काली गुंजा। रक्त गुंजा होती है लाल काले रंग की। तीन प्रजाति मिलती है जिसमें लाल और काले रंग का जो डिफरेंस होता है, मतलब रेशियो होता है, वो 10, 25 और 50 होता है। कोई में रेड ज़्यादा होता है, कोई में ब्लैक ज़्यादा होता है। और ये ज़्यादातर इसी माला को हम तंत्र शास्त्र में या तांत्रिक शक्ति के लिए प्रयोग में लेते हैं। दूसरी तरह की माला होती है श्वेत गुंजा, और इसमें एक थोड़ा वाइट होता है और बाकी ब्लैक होता है। कहीं कहीं पर इसके मुख पे, सिर पे कालीमा रहती है, और ये ज़्यादातर आयुर्वेद में औषधि के रूप में यूज़ होती है, और तंत्र में भी यूज़ की जाती है। ये लाल की अपेक्षा थोड़ी कम मिलती है। लाल वाली बहुत इजीली मिल जाती है रक्त गुंजा, और श्वेत गुंजा थोड़ी कम मिलती है। थर्ड वाली जो होती है वो है काली गुंजा। काली गुंजा बहुत ही दुर्लभ होती है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग नहीं होता है, किंतु तंत्र प्रयोग में अगर ये आपके पास है तो तंत्र प्रयोग इसकी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। एक अन्य प्रकार की भी गुंजा मिलती है, वो है पीली गुंजा। ये दुर्लभतम है, मिलती ही नहीं है, कोई विशिष्ट प्रजाति नहीं, किंतु लाल और सफ़ेद प्रजाति में से कुछ इसका डिवाइडेशन होने की वजह से, उसकी वजह से बीज पीले हो जाते हैं। इस कारण पीली गुंजा कभी पूर्ण पीली तो कभी लालिमा या कालिमा मिश्रित मिलती है। दोस्तों, गुंजा हमें सम्मान प्रदायक होती है, हमारे कारोबार में बरकत करती है, ज्ञान बुद्धि वर्धक होती है। विवाह के समय गुंजा वर के कंगन में पिरोए जाते हैं। पुत्रदात्री होती है, वशीकरण, इसके बहुत सारे उपाय होते हैं। किसी भी गुंडे को या बदमाश को सबक करना है तो उसके लिए प्रयोग होती है। अगर किसी ने विष खा लिया या कुछ हो लिया, उसके लिए होती है। दिव्य दृष्टि, गुप्त दर्शन, धन दर्शन होता है इससे। शत्रु में आपके लिए भय उत्पन्न होता है। नौकरी में अगर बाधाएं आ जाए उसके लिए, मैं अगर आपको गुंजा के फायदे बताऊं तो आप आश्चर्य होकर के, बहुत सारे फायदे हैं, अंतहीन फायदे हैं। आज मैं आपको बताती हूँ फटाफट क्या क्या फायदे हैं और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी लता होती है जिसमें मटर की फलियाँ होती है, इसको आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं। थोड़े मुश्किल होते हैं होने में, कभी कभी सूख जाते हैं, तो इनको ध्यान से इस लता को रखना पड़ता है। सबसे पहले मैं बता दूं वशीकरण आपको कैसे करना है।
सबसे पहले मैं बता दूं कि काली गुंजा सबसे ज़्यादा करामाती होती है, और अगर आपके घर पे कोई विपदा आने वाली होती है, जिसके पास होता है वो बहुत लकी होता है। अगर घर पे किसी प्रकार की विपदा आने वाली होती है तो काली गुंजा का रंग अपने आप बदलने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सच है दोस्तों। अब देखिए, हम आज बताएंगे आपको वशीकरण का तरीका, ध्यान से सुने और इसका कोई मिसयूज़ ना करें। गुंजा आकर्षण के लिए हम यूज़ करेंगे। प्रकृति ने देखिए स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया है। दोनों के मिलने से ही इस धरती पे वंश बढ़ता है, और इसके चलते ही आकर्षण की जो मानसिक भावना होती है वो एक दूसरे के प्रति होती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की प्रबल भावना ही सफल वैवाहिक जीवन की कुंजी है। तो अगर आप हस्बैंड और वाइफ में, या दो लोग हैं लवर्स हैं, उनमें अट्रैक्शन ही नहीं है तो फिर वो परिवार नहीं चल सकता है। आकर्षण ही ईमानदारी से विवाहित जो भी जोड़ी होती है उनके बीच में रहें, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से रहें, तो आपस में साथी के प्रति वफादार रहें, तभी सफल और वास्तविक शादी का महत्व होता है। यदि किसी कारण से मैरिड लाइफ में आपका साथी, एक साथी अपने मार्ग से भटक जाए, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के प्रति निष्ठावान होने लगे, तो जीवन में कटुता आ जाती है। सबसे पहला मंत्र तो ये ही है कि अपनी शादी को सामाजिक रिश्ता ना माने। सबसे पहले ये माने कि आप दोनों के बीच में वास्तविक प्यार का बंधन है, आपको जीवन भर खुशियाँ दे सकता है। नहीं तो ये रिश्ता अगर सामाजिक सोच के चलेंगे तो पूरी तरह से नीरस हो जाएगा, और आप किसी और के प्रति जब ये अट्रैक्शन का भाव रखते हैं तो वो भी आपके प्रति यही भावना रखता है। कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है जो अधिक समय तक स्थायी नहीं रहता है। इसलिए आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, वशीकरण करके आप पति पत्नी के बीच का ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। या फिर जैसे लिव इन में रहती है, काफ़ी लड़कियाँ मैसेज कर रही है कि लिव इन में 6 साल 7 साल रहने के बाद जो लड़के छोड़ दे रहे हैं, तो ये गुंजा की जो वशीकरण है ये आप ट्राई कर सकते हैं। आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्वर्णकार इसको यूज़ करते थे। काले रंग की गुंजा मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो रेड वाली गुंजा आप यूज़ करें, बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। और सबसे पहले आपको ये करना है कि लाल रंग के, लाल काले गुंजा के 5 दाने आपको ले लेने हैं, और अपने पति पत्नी या लवर का नाम लेकर के उनका स्मरण करते हुए एक मिट्टी के दीपक में डाल देना है। उस मिट्टी के दीपक में डाल के उसको शहद डाल दें, उस मिट्टी के दीपक में जलाना नहीं है उसको, मिट्टी के दिए में शहद डाल दें और 5 दाने उसमें डुबो दें, और किसी भी सेफ प्लेस पे इसको आपको रख देना है। रख के भूल जाएं, अगर आपको लगता है कि फिर से कम होने लग गया अट्रैक्शन इसके बाद, तो आप दोबारा से भी ये उपाय कर सकते हैं। ये प्रयोग पति या पत्नी दोनों कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, और बहुत आसान सा उपाय है, बहुत इजीली कर सकते हैं। मंत्र है, देखिए मंत्र से आपको सिद्ध करना है इसको। मंत्र कौन सा है? जंगल की योगिनी, पाताल के नाग, उठो मेरे वीरो, डैश यानी खाली स्थान, जिसका, जिस पर्सन का नाम लेना है, जिसको वश में करना है उसका नाम लेना है, और लिखो, फिर बोलो को ल्याओ मेरे पास, यहाँ यहाँ हमारे सहाई, अब नाज भरी ताज, भरी अग्नि तक फूंक फिरो, मन विसरे मेरे गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ये है वशीकरण मंत्र। थोड़ा टफ होता है, आप अगर कोई तांत्रिक को जानते हैं तो उनसे भी करवा सकते हैं ये मंत्र सिद्ध। इस मंत्र को आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी ग्रहण अगर लगा हुआ हो या दिवाली की रात हो तो जप करके सिद्ध कर लेना होता है माला को। माला को कैसे सिद्ध करेंगे? ये, इसको 1008 बार जप करना है। कौन सा मंत्र है? जंगल की योगिनी, पताल के नाग, उठो मेरे वीरो, अमुक को ल्याओ मेरे पास, यहाँ यहाँ हमारे सहाई, अब नाज भरी ताज, भरी अग्नि तक फूक फिरो, मन विसरे मेरे गुरु गोरखनाथ की दुहाई। अमुक के स्थान पे जिसका वशीकरण करना है उसका नाम लेना है आपको।
जब भी किसी पर प्रयोग करना है तो उसका नाम जो मंत्र में जो खाली स्थान अमुक कह रही हूँ वहाँ पर करना है, और 21 दिन तक हर रोज एक गुंजा की माला पर जप करना है। उस व्यक्ति को मानसिक रूप से ध्यान करना है, जिसको वश में करना है वो ज़रूर वशीभूत होगा। ये 1000% ये सही है दोस्तों। जितना आपका ध्यान उस पर्सन के प्रति बलवान होगा उतनी जल्दी ही आपको परिणाम मिलेगा। और ध्यान रखें, इस मंत्र को करते वक्त अगर किसी और का ध्यान आपके मन में आ गया तो ये भंग हो जाएगा। अगर आप सचमुच किसी को प्यार करते हैं, किसी के सच में जुड़े रहना चाहते हैं तो ही इस तांत्रिक उपाय को करें, वरना मत करें। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको वर वधु के लिए होती है, शादी के समय किया जाता है ये। विवाह के समय लाल गुंजा वर के कंगन में पिरोकर पहनाई जाती है। तंत्र प्रयोग है, इससे वर की सुरक्षा होती है, समृद्धि होती है, नजर दोष निवारण होता है, सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए होता है। और गुंजा की माला को आभूषण के रूप में भी रोज पहनी जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गुंजा की माला धारण करते थे, और पुत्र की चाह रखने वाली स्त्रियां शुभ नक्षत्र में यदि गुंजा की जड़ को ताबीज में भर कर कमर में धारण करें तो पुत्र रत्न की बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। अगर कोई दुष्ट पर पीड़क गुंडे तथा किसी का घर तोड़ने वाले के घर में लाल गुंजा रवि या मंगलवार के दिन फेंक दें, क्या बोलना है आपको, हे गुंजा आप मेरे कार्य की सिद्धि के लिए इस घर परिवार में कलह उत्पन्न कर दो, तो उस मनुष्य के घर पे कलह उत्पन्न हो जाता है और आपको बर्बाद करने वाला खुद बर्बाद हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सम्मान आपको मिले सोसाइटी में तो शुद्ध जल गंगा जल ले लें या कोई भी तीर्थ का जल ले लें। कहीं पे तीर्थ का जल नहीं होता है, वहाँ कुएं का जल ले लिया जाता है। उसमें गुंजा की जड़ को चंदन की तरह आपको घिसना है। अच्छा यही होता है कि किसी ब्राह्मण से या कुंवारी कन्या के हाथों से घिसवा लें, फिर इस लेप को माथे पर चंदन की तरह लगाएं। ऐसा व्यक्ति जब सभा समारोह कहीं पे भी पब्लिक मीटिंग्स में या कोई भी आपके पारिवारिक मीटिंग है या कहीं पे जहां आप चाहते हैं कि आपका इम्प्रेशन पड़े, वहां अगर आप इस टीका को लगा के जाएंगे तो आपके सब कोई आपके आपसे सम्मोहित हो जाएंगे। दोस्तों अंधापन तक समाप्त होता है गंजा से। गंजा के मूल को अगर गंगा जल में घिस कर आँखों में लगाने से बहुत आंसू आते हैं। ऐसा माना जाता है कि देसी घी गाय का घी में घिस कर लगाते रहने से इन दोनों के प्रयोग से अंधत्व दूर हो जाता है। गुंजा को अगर अभिमंत्रित करके, आपको जो मंत्र मैंने बताया उससे अभिमंत्रित करना है, जिस व्यक्ति के पहने हुए कपड़े या रुमाल में बांध कर रख देंगे तो वो मनुष्य वशीभूत हो जाएगा। जब तक कपड़ा खोलकर गुंजा के दाने नहीं निकाले जाएंगे तो वो व्यक्ति आपके वशीकरण के प्रभाव में रहेगा। अगर किसी को बहुत जल्दी बुरी नज़र लगती है, गुंजा का ब्रेसलेट कलाई पर बांधना चाहिए। किसी सभा या भीड़भाड़ वाली जगह में जाते वक्त गुंजा का ब्रेसलेट पहनने से दूसरे लोग प्रभावित हो जाते हैं। गुंजा की माला अगर आप गले में धारण करेंगे तो सर्वजन वशीकरण का प्रभाव होता है। काली गुंजा की विशेषता ये होती है कि जिस व्यक्ति के पास होती है, मैंने पहले भी बताया, उस पर मुसीबत उसके ऊपर अगर मुसीबत आने वाली हो तो इसका रंग खुद ब खुद बदलने लगता है। दोस्तों अलौकिक तामसिक शक्तियों के दर्शन अगर होते हो, भूत प्रेत आदि शक्तियों के दर्शन करने के लिए मजबूत हृदय वाले व्यक्ति गुंजा मूल को रवि पुष्य योग में या मंगलवार के दिन शुद्ध शहद में घिसकर आंखों में अगर सूरमा की भांति लगाएंगे तो भूत चुड़ैल प्रेत आदि के दर्शन होते हैं। गुंजा को अगर मूल गुंजा का जो जड़ है उसको बकरी के दूध में घिसकर अगर हथेलियों पर लेप करेंगे तो कुछ दिन तक ये प्रयोग करने के बाद व्यक्ति की बुद्धि स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, चिंतन धारणा आदि शक्तियों में तीव्रता आती है। अगर अंकोल या अंकोहर के बीज के तेल में गुंजा की मूल को घिसकर आंखों पे लगाएंगे काजल की तरह तो
आपको इससे पृथ्वी में गड़ा हुआ खजाना या आसपास रखा हुआ धन भी दिखाई देने लगता है। दोस्तों ये बहुत ही गुप्त शक्तियाँ और इसके लिए बहुत सिद्धि की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप जो छोटे छोटे आपको उपाय बताए हैं वो कर लीजिए। गुंजा के अचूक उपाय हैं आकर्षण के लिए, ज्योतिष के लिए, तांत्रिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ में आती है गुंजा। और आपको मैं बता दूँ इसमें इतनी शक्ति होती है कि विष को भी काट देता है। गुंजा की जड़ को धोकर सुखाकर रख ली जाए और यदि किसी व्यक्ति पर विष का प्रभाव हो रहा है, अचेत हो रहा है, तो उसे पानी में जड़ को घिसकर पिला दें। इसके पानी में घिसकर पिलाने से हर प्रकार का विष उतर जाता है। दोस्तों बहुत ही लाभदायक चमत्कारिक वस्तु है गुंजा, और हो सके तो इसकी पेड़ आप घर पे लगा दीजिए, पर बहुत संभाल रखनी पड़ती है। और हो सके तो ये गुंजा की बीज अपने पास कहीं से ले आइए, पूजा की शॉप में मिल सकती है। कई लोग अपने घर में इसका पेड़ लगा के रखते हैं, आप उनसे भी इसको ले सकते हैं। फूल के बराबर होते हैं, मटर के दानों से निकलता है, ये लता के रूप में होती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ ले, और फिर से रिक्वेस्ट है इसका गलत प्रयोग ना करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी आप सबकी ज़िंदगी को खुशहाल बना दें। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए बस इतना ही, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी।